आप योगी पुखराज YouTube चैनल के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और शानदार वीडियो जैसलमेर के दौरान से, और देखिए किस तरीके से हजारों लोग इनकी कलाकृति को देख रहे हैं। और आपका कभी ऐसा काम पड़े तो आप मत करना, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है। और बहुत ही, और ये देखिए किस तरीके से ये भाग रहे हैं, और कितना गजब का सीन आप देख सकते हैं। और अभी बहुत ही गजब ये देख रहे हैं, ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं यहाँ से रिकॉर्ड किया हुआ सम के दौरान से। और गजब का हजारों की संख्या में यहाँ लोग खड़े हैं, और ये लगातार देखिए किस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं, और बहुत ही गजब का सीन, बहुत ही शानदार नजारा है। और ये सालासर से आए हुए हैं मेहमान, और यहाँ पर देख रहे हैं डरा दिया धरती से। और कहा जाता है जैसलमेर सोने का शहर, क्योंकि यहाँ का जो पत्थर है उसका जो कलर है, वो देखिए कितने किस तरीके से ये दौरा के ऊपर चढ़ रहे हैं, और किस तरह से करतब दिखा रहे हैं, और उल्टे सीधे आगे पीछे किस तरीके से, कितनी गजब प्रैक्टिस की होगी, कितने महीना तक इन्होंने दौरा के अंदर ये गाइडें चलाई होगी। लगता है इनका जन्म इसी दौरा के अंदर हुआ है, और जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, इस हिसाब से लगता है इनके जो इनके जन्म से ये। और गजब गजब शानदार नजारा और जानदार नजारा ये आप देख रहे हैं सम के दौरा से। ये किसी सुरा से कम नहीं है। आ देखिए जान को जोखिम में डाल के हजारों लोग जो यहाँ आए हुए हैं पर्यटक, उनको इस दौरा धरती का कर्तव्य दिखा रहे हैं। बहुत ही जैसलमेर का, और जिस हिसाब से ये खतरा के खिलाड़ी जो यहाँ सन्नाटा छा गया है यहाँ पर, अभी तक भू भाग की आवाज हो रही थी, बहुत ही सुंदर। और मेरे साथ में आप देख रहे हैं SCN सुजला जी के डायरेक्टर शिव कुमार जी तिवारी, और बड़ा आनंद आ रहा है। हम यहाँ पर ऊँटों की दौड़ देखने लिए आए थे, लेकिन बाइक की दौड़ हमने देखी है, बहुत ही सारी भीड़ है, इन बाइक वालों ने खींच ली है, ऊँटों की दौड़ सुननी पड़ी है वहाँ पर। बहुत ही आनंद आ गया है, और हम तो फैन है शिव कुमार जी के, और बड़ा आनंद आ रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, और आप देख रहे हैं अब हजारों लोग, अब जहाँ पर कैमल डांस होगा और जहाँ पर ऊँटों का प्रोग्राम होगा वहाँ सारे लोग जा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत नजारा, दूर दूर तक दौरे ही दौरे यहाँ पर। आप देखिए प्रकृति, आप देखिए प्रकृति की क्या लीला है। दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, और दौरे ही दौरे हैं, और इन दौरों की धरती के अंदर ये रूप देखने को नहीं मिलता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि 2020 के मरु मौसम में मिस्टर डेजर्ट रहने वाले शर्मा जी हमारे बीच में हैं। तो राम राम शर्मा जी। और राम राम साहब। बार आप हो चुको देख मोटरसाइकिल जकी रेस देखी, आपने कैडी लागी? अरे साहब बहुत जबरदस्त लागी, मारी इच्छा थी मैं चलाऊं, पर जितने पुलिस वाला आ गया सा, बिल्कुल मैं भी चलाऊंगा, मना करनो काई कारण है। अरे साहब कैसे, उधर कैमल रेस में सारी भीड़ इधर आ गई है। अच्छा, तो इस भीड़ को उधर देखने के लिए, क्योंकि और कानूनी रूप से भी ये कानूनी रूप से तो है, लेकिन हम दोनों में रहते हैं या रेगिस्तान है सारा, तो हमारा उस डाली से उस डाली में उसे उसके और रेगिस्तान को पार करना जानना पड़ता है। ये बहुत बहादुरी का काम है। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब ये हमेशा मोटरसाइकिल इस तरह से चलाते हैं यहाँ के लोग। हाँ इस तरह से चलाते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए रेतीले टीले है। अब रेतीले टीले में कोई सड़क तो बनती नहीं सरकार। आपको कैसा लगा ये? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सर, इनको पुरस्कार देना चाहिए। अगले साल हमारे यहाँ ये सम के दौरों में इस प्रकार की बाइक रेस का कॉम्पिटिशन, और तो सबसे अच्छी जो चला तो उसको पुरस्कृत करना चाहिए। जो कंपनियां बना रही है मोटरसाइकिलों को, आपका मैसेज डायरेक्ट उन कंपनियों को भेजें कि आपकी कंपनी की जो मोटरसाइकिल की अगर पेट बढ़ानी है, हाँ पेट बढ़ानी है, तो सम के दौरों में परीक्षण किया जाएगा। बिल्कुल, और सम के दौरों में परीक्षण में जो सफल होगी उस मोटरसाइकिल ज्यादा से ज्यादा यहाँ बिक्री होगी। हाँ बिल्कुल, या शोरूम लगाएंगे फिर सम के दौरों में। कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर सोने का शहर कहाँ है, तो जैसलमेर हिंदुस्तान में सोने का शहर है। यहाँ दूर दूर तक आपको देखिए ये मुकमल जो रेत है सोने की कलर की, आपको पेड़ ही नहीं दिख रहे हैं। दूर दूर तक
सैकड़ों किलोमीटर में ये नजारा आप देख सकते हैं जैसलमेर की धरती से। और आपका कभी जैसलमेर आना हो तो जरूर आप ये आए, और मैं आपके साथ में योगी पुखराज मेरे चैनल पर हमेशा राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी हुई, कला से जुड़ी हुई, और क्या होता है राजस्थान में हकीकत में और कैसे कैसा यहाँ पर लोग रहते हैं, और ये रूप आपने दूसरे स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे। ये केवल हमारे राजस्थान वाला का सौभाग्य है कि ये ड्रेस, धोती, कुर्ता, ऊपर सापा और ये मूछें और दाढ़ी, राजा जैसा रूप ये हमारे राजस्थान में मिलता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर लिखें, और आप कभी सम घूमने के लिए आए हुए हो तो भी लिखें आपको कैसा लगा, और नहीं आए हुए हो तो एक बार जरूर आप जैसलमेर आके इस की धरती का आनंद, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले, जरूर आवे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे निवेदन है कि यहाँ आकर के प्रकृति का, और आज देखना माघ सुदी पूर्णिमा के रात को चांदनी, ये क्या शानदार चांदनी रात होगी, और ठंडी ठंडी लहरें आएगी, क्या आनंद आएगा। आप भी आज आनंद ले और कभी आवे माघ सुदी पूर्णिमा को यहाँ पधारे, और सबके दौरों में आनंद ले, कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, खूब आनंद लो, कोई रोकने वाला और नहीं। एक बार एक बार आप यहाँ आएंगे ना तो हमेशा जिंदगी में ये तय कर लेंगे कि अगर घूमना है तो जैसलमेर के धोरा के देश में घूम के आए। बहुत ही सुंदर, ये भारत देश के अंदर जैसलमेर जिला पड़ता है लेकिन इसको धोरा का देश कहा जाता है यहाँ की भाषा में। बहुत ही सुंदर नजारा ये जैसलमेर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रेम से इस वीडियो को देखा और आपने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद।